बालाघाट जिले के किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत भक्कू टोला की पहाड़ी पर कल एक भीषण हादसा हुआ है, बेहद ही खतरनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक प्रशिक्षु विमान जो है पहाड़ी से टकराने के बाद क्रैश हो गया, जिसमें एक प्रशिक्षु पायलट के साथ उसमें सवार कैप्टन की मौत हो गई थी। इसी खबर को लेकर आज हम भक्कू टोला पहुँच चुके हैं। तो भक्कू टोला की इस वक्त पहाड़ी की हम चढ़ाई कर रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीरें, किस तरह से यह हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। कैसे क्या हादसा हुआ दिख रहा, समझ में आ रहा है? वो तो पेड़ पे टकराने की वजह से हुआ ऐसा लग रहा है। उसके बाद में पेड़ में ऊपर में टकराया, उसके बाद नाले में जाके गिरा, बहुत हाई उस ऊपर में। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ पर? हाँ, गए थे देखने के लिए अभी। प्रशिक्षु विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की जो चर्चा है अभी भी लोगों के बीच तेजी से फैल रही है, और यही वजह है कि आसपास के ग्रामीण आज दूसरे दिन भी यहां पर लगातार पहाड़ी चढ़कर विमान क्रैश वाले स्थान पर पहुंच रहे हैं। हम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं बालाघाट से। हम चूंकि 50 किलोमीटर का सफ़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख रहे तस्वीरों में हमारे साथ तमाम बालाघाट के पत्रकार बंधु चित्रंजन नेरकर, आशीष श्रीवास जी, हितेन चौहान जी, पंकज डहरवाल, राहुल टेमरे, ऐसे सभी साथी हम आज जहां पर विमान क्रैश हुआ है वहां पहुंचने के लिए निकले हुए हैं। चूंकि यह जो है घटनाक्रम जो है काफ़ी ऊंचाई पर हुआ है, पहाड़ी के बीच में बताया जा रहा है, हम पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं, इस वजह से थोड़ी देर यहां पर आराम के लिए बैठे हुए हैं। आगे और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पहाड़ी की चढ़ाई करते हुए बताएंगे, और साथ में दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। कठिन चढ़ाई करने के बाद नीचे ढलान के माध्यम से पत्थरों के चट्टानों के बीच से हमें उतरना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए कितनी डिफ़िकल्ट यह जगह है, एक प्रकार से ये एक डिफ़िकल्ट एडवेंचर का ही नज़ारा हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। सारे लोग, हितेन चौहान को आप देख रहे हैं जो नीचे में ग्रिप बनाते हुए जगह के लिए रास्ता बनाते हुए हाथ दिखाते हुए, बाकी के साथी धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और इनके बाद अब मेरी तैयारी होगी उतरने की। और इधर से आप देख रहे हैं गाँव के लोग भी लगातार यहाँ पर अभी भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है। जिस तरह से यहाँ पे प्लेन क्रैश वाली जो घटना हुई है, इस घटना के बाद यहाँ पे लगातार ग्रामीणजनों का, आसपास के क्षेत्र के लोगों का, लांजी, टेमनी, भानेगांव, यहाँ तक के लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं देखने के लिए कि आखिरकार यह हादसा कैसे हुआ है। जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर पहुँचना पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन जब हम कठिन पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ऊपर पहुँचे तो काफ़ी हद तक हमें तकलीफ़ हुई, काफ़ी थकान महसूस हुई। थकान तो जैसे तैसे दूर हो गई, लेकिन उसके बाद जब पहाड़ से नीचे जहां घटना स्थल है वहां पर पहुंचने के लिए हम नीचे उतरे तो पता चला कि काफ़ी स्लिपरी वाला यह स्थान है, काफ़ी चट्टान है, पत्थर है, और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सावधानी पूर्वक यहां से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ वाला रास्ता है। थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो बड़ी घटना, दुर्घटना हो सकती है किसी के भी साथ, लेकिन हम बहुत ही आहिस्ता के साथ में, बड़े ही इत्मीनान से धीरे धीरे यहां से उतर रहे हैं। सारे लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहां का जो नज़ारा है, जो यहां का जंगल है, जो यहां का पहाड़ है, उसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए। बेहद ख़तरनाक स्पॉट हम कह सकते हैं जहां पर यह घटना हुई है। प्लेन जो है नीचे यहां से इस तरह से बिखरते हुए, क्षतिग्रस्त होते हुए इस तरह से नीचे उतरा, और ये आग लग गई थी चूँकि वहाँ से टकराने के बाद में, तो धीरे धीरे ये आग के निशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं चारों ओर। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी हाइट पर है, और यहीं से हम उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे जो लोग हैं यहाँ से धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भक्कू टोला की पहाड़ी से, जहाँ पर प्लेन क्रैश की घटना कल जो हुई थी उसी को लेकर हम यहाँ पर मीडिया कवरेज के लिए आज पहुँचे हुए हैं। आशीष श्रीवास को आप देख रहे हैं यहाँ से, काफ़ी स्लिपरी वाले रास्ते से वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता
उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। और इधर चितरंजन नेरकर को आप देख रहे हैं और इधर हमारे कैमरामैन साथी कमल कोडले। काफ़ी खड़ा ये पहाड़ है तो आहिस्ता से वो धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद मुश्किल वाला रास्ता है, लेकिन इस मुश्किल रास्ते से हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जहाँ पर प्लेन क्रेश हुआ था उस घटना को हमें देखना था, तो हम काफ़ी ऊपर है। और ये ऊंचाई पर इसलिए है क्योंकि प्लेन तो नीचे गिरा हुआ है, आपको मलबा दिखाई देगा और सारे हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्लेन जो क्रेश हुआ है ये यहाँ पर हुआ है, ये ऊंचाई पर। पेड़ को काटने के बाद में प्लेन सीधा यहाँ से आग की लपटों के साथ में नीचे गया है टकराते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ का जो है टहनी कह सकते हैं, हम शाखा कह सकते हैं, बड़ी शाखा जो है वो कटी हुई है प्लेन के पंखों से। तो इस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई है। ये पहाड़ी की सीधा चोटी पर जाके प्लेन पेड़ से टकराया, जहाँ से धीरे धीरे फिर प्लेन जो है क्षतिग्रस्त होते हुए, जलते हुए आग की लपटों के साथ में यहाँ से इस तरह से क्षतिग्रस्त होते हुए इस तरह से यहाँ से आगे नीचे जाकर चट्टानों पर जाकर गिरा, जहाँ पर जो पायलट थे, प्रशिक्षु पायलट और कैप्टन, वो यहीं पर जिंदा जल गए थे। आपको बताना चाहूँगा कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जिसमें गुजरात कच्छ की वरुशंका महेश्वरी एक है जो कि ट्रेनी पायलट थी, और दूसरी जो थे चंबा जो है हिमाचल के चंबा जिले से रहने वाले एक मोहित ठाकुर थे, जो कि सीनियर पायलट कहे या फिर कैप्टन कहे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें देखने से यही समझ में आता है कि हादसा बेहद खतरनाक है, बेहद भीषण तरीके से हुआ है, जाने गई है, लेकिन क्या भारतीय जो एयरपोर्ट प्राधिकरण है क्या इस मामले की जांच करेगा या फिर नहीं, यह देखना होगा। तो आज के हमारे ब्लॉग में बस इतना ही, आगे और मिलेंगे आपके साथ हम नए ब्लॉग को लेकर।